आज ये दूसरा दिन है जो 500 बैग मैंने मंगाए थे बटन मशरूम कंपोस्ट के, और इसको 2 दिन लग गया ऊपर से टॉप स्पॉनिंग करने में। वो तो दिखा दूँ, मैं कल ही मैंने इसकी टॉप स्पॉनिंग करी थी और इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। इसमें डालते ही देखिए हल्के हल्के से, आप देख पा रहे होंगे, हल्के हल्के से जाले फैलने शुरू हो गए हैं, जबकि मैंने कल ही इसमें टॉप स्पॉनिंग करी थी। मुझे इसका ये 500 बैग मैंने दूसरे मशरूम ग्रोवर हैं, दूसरे जो कंपोस्ट को सेल करते हैं उनसे परचेज़ किया था। तो मैंने ऐसा किया है मैंने कि मेरा जो ये कैपेसिटी है 2500 बैग का है, तो मैंने क्या किया, मैंने तीन जगह से कंपोस्ट परचेज़ करी है। एक जगह आप वो देख रहे होंगे उधर वाली रैक, वो 1000 बैग मैंने परचेज़ करी थी एक से, और ये वाली आप देख रहे होंगे, ये दोनों रैक ये मैंने परचेज़ करी थी दूसरे से। और तीसरे वाले का ये ऊपर आप खाली देख रहे होंगे या आगे भी खाली है, तीसरा मेरा जो लोट आएगा वो तीसरे ग्रोवर से आएगा, वो आएगा मेरा 15 या 16 तारीख को। तो मैं तीन जगह से इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन तीनों में से किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दावे तो सभी करते हैं कि भैया हमारा 2 किलो प्लस आएगा, मेरा 2.5 किलो प्लस आएगा, बट एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन आ रहा है वो हमारे लिए मैटर करता है। क्योंकि 2 किलो से ऊपर अगर हमारा प्रोडक्शन आता है तो हम लोग थोड़े प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज़ अगर 2 किलो भी प्रोडक्शन आता है तो इतना मान के चलिए कि आपका ठीक ठाक काम है, ठीक ठाक चलेगा, बट उतना अच्छा नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से मंगा रहे हैं। कुछ मेरा माल, ये मेरा ये जो बैग है उधर 1000 बैग, ये मेरा 150 किलोमीटर दूर से आया था, ये बैग आया है मेरा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से, जो तीसरा लौट आने वाला है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर से है। तो आपका भाड़ा भी इंक्लूड होता है उसको मंगाने के लिए। 1000 बैग को मंगाने के लिए मुझे 11000 का भाड़ा देना पड़ा, और इसको मंगाने के लिए 5000 का भाड़ा देना पड़ा। जो मेरा नेक्स्ट 1000 बैग आने वाला है उसके लिए मुझे 9000 में बात हुई है भाड़े वाले से। तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक्सपेंसेस है आपके। तो मैं तीन जगह से इसलिए मंगा के देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा है, एटलीस्ट मुझे अगले साल में कन्फर्म हो जाऊँ कि माल किससे लेना है और किसकी बातें सही हैं। बट अभी देख कर इस वाले बैग को आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि रिस्पॉन्स अच्छा है, स्पॉनिंग ठीक ठाक रन कर रहे हैं हमारे स्पॉन। बाकी रूम का टेम्परेचर तो जैसे आप लोग अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो रूम का टेम्परेचर मेरा काफ़ी डाउन चला जाता है, क्योंकि देखिए मैंने बाहर ये पन्ने भी लगा रखे हैं, बाहर पुराली से आड़ भी कर रखी है, बट फिर भी रूम का टेम्परेचर मेरा रात में 16 डिग्री के अराउंड हो जाता है, जिससे बैग मेरे और ठंडे हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो मैं इस साल फेस कर रहा हूँ झोपड़ी में करने पे, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर जब ये फुल फ्लो में जब मैं करूँगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि गलती हमारी कहाँ है, उस पे हम लोग काम करेंगे। और नेक्स्ट ईयर जिस तरह का ये टेम्परेचर डाउन होने का, क्योंकि 16 डिग्री टेम्परेचर तो मान के चलिए आप प्रोडक्शन के लिए तो सबसे बेस्ट है, मान के चलिए जब आपका प्रोडक्शन हो तो 16 डिग्री इज़ द बेस्ट टेम्परेचर इन विच यू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मशरूम। बट क्या है ना कि ये केस रही है माइसीलियम रन के लिए, ये टेम्परेचर थोड़ा सा खतरे वाला है। ज़्यादा खतरे की बात नहीं है क्योंकि माइसीलियम को रन होने में 24 से 27 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर डाउन है तो जो प्रोसेस आपका 12 से 14 दिन में हो रहा है वो प्रोसेस आपका 17 या 18 दिन भी ले सकता है, ज़्यादा ज़्यादा ये डिसएडवांटेजेस हैं। सो आपका प्रोडक्शन भी लेट आएगा। फिर भी मैंने इसमें आप देखेंगे कि मैंने इस रूम में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 12 हेलोजन, इस तरह के 12 हेलोजन, अभी लाइट नहीं है,
इस तरह के 12 हेलोजन लगाए हैं जो रूम का टेम्परेचर नियर अबाउट 23-24 पहुंचा देते हैं और बैग का भी टेम्परेचर धीरे धीरे 20-22 के आसपास आ जाता है। तो क्या है कि 20-22 पे भी ये अपना अच्छा रिकवरी कर लेता है, बट चूँकि लाइट चली जाती है तो ये फिर से वापस अपना 15-16-18-19 जैसा बाहर का टेम्परेचर है, धूप है बाहर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर ठंड है तो टेम्परेचर घट जाएगा, उसके अराउंड काम करते हैं। बट ये है कि अभी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो भी है आपको बता दिया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इन द एंड लास्ट मंथ में जब प्रोडक्शन ले लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जैसा मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ, ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, सेफ प्ले करते हैं, बट मुझे पता है कि प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, 3-4 लोगों से लेके उसको आजमा कर ही आप आगे कामयाब हो सकते हैं। आपको मालूम हो सकता है कि हाँ किस कौन सही है इस फील्ड में और कौन सही होने की एक्टिंग कर रहा है। तो जुड़े रहिएगा, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। जब माइसीलियम रन हो जाएगा तो उसका भी बैग आपको दिखाऊँगा, अभी तो फ़िलहाल इसका दूसरा दिन है, इसको इसका काम करने देते हैं। और मैं आपको अपने अगले बैग का स्टेटस दिखाता हूँ जो जिसको नियर अबाउट 13 दिन हो गया है, जो 1000 बैग में लाया था उसको लगभग लगभग 13 दिन हो गया है। मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिए आप कि 13 दिन का बैग जो मैं एक अगले से लाया था उसका क्या रिस्पॉन्स है। चलते हैं, ये 1000 बैग आया था मेरा, आपको थोड़ी लाइट में दिखाना चाहूँगा। हाँ, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो मैंने स्पॉन डाला था वो पूरी तरीके से फैल चुका है, देख रहे हैं। तो लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं कि भैया 16 डिग्री टेम्परेचर, एक मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने पॉइंट आउट किया था, शायद दीपक नाम है उनका या अमित है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि 16 डिग्री पे क्या माइसीलियम रन हो जाएगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये 13 दिन हो चुके हैं और माइसीलियम लगभग जो स्पॉन था वो पूरी तरह से गल चुका है और एक जाले के रूप में ये फैल चुका है। देखिए साइड से भी आप देखेंगे तो साइड से भी इसमें लगभग लगभग जाले फैल चुके हैं। देखिए वही चीज़ मैंने बोली थी कि जब तक आप करके नहीं देखेंगे ना तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और मैं तो करके देख रहा हूँ प्रैक्टिकल, तो मेरे से बेहतर आपको कौन बता पाएगा। और मैं आपको तो दिखा भी रहा हूँ बैग की एक्चुअल कंडीशन, ठीक है। चलिए एक और बैग दिखा देता हूँ आपको, बट डाउन में से दिखाता हूँ आपको जो बेस में है। ये देखिए रिस्पॉन्स, देख रहे हैं लगभग लगभग जाला इसमें फैल चुका है। यही सब चीज़ें होती हैं सीखने की, आपको समझने की। एक और बैग दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो अभी इसको 13 दिन हुआ है इस बैग को, हालांकि कल इसका मुझे अगर टेम्परेचर रूम का मेरा 22-24 डिग्री मेंटेन रहता, 24-27, तो ये कम्प्लीटली रन हो चुका होता तो मैं इसकी कल केसिंग कर रहा होता, बट ये नहीं हुआ है तो मुझे 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो मैं कल और परसों 2 दिन और वेट करूँगा, तो मैं 16 दिन बाद देखूँगा 16वें दिन की क्या केसिंग के लिए भी रेडी है, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो केस रन माइसीलियम थोड़ा लेट रन होता है, यही एक डिसएडवांटेजेस है। और आप थोड़ा लेट केसिंग करते हैं तो प्रोडक्शन भी थोड़ी लेट आती है। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और जो भी आपको इससे रिलेटेड सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी farmer.in पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।